कोई खुशी नहीं है। आप लोग भी मांग कर रहे थे ना राजकर्मी का दर्जा चाहिए। कहाँ राजकर्मी का दर्जा मिला? हम लोग कब से एग्जाम दिए मार्च फरवरी में, अप्रैल में रिजल्ट निकला, उसके बाद कोई नियम पता है ना कानून पता है। सर आप देख ही रहे हम लोगों की स्थिति, ये तरीका है। अगर हम टीचर हैं तो ये व्यवस्था आपको लगती है कि सही है? हो रही है कि महिलाओं को मतलब पोस्टिंग के समय ध्यान रखा, क्योंकि बार बार जिस तरह से साइनेरियो चेंज हो रहा है मिनट टू मिनट, हम लोग को भी पता नहीं चल रहा है कि नेक्स्ट मोमेंट क्या होना है, तो इस स्थिति में प्रेडिक्शन करना मुश्किल है, खासतौर से एक जनरल टीचर के लिए। हमने डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड किए थे, एजुकेशनल हुआ हमारा, जो भी प्रोफेशनल हुआ वो सारा उसमें जो था वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे शो करना है, उसके अलावा हमारा एडमिट कार्ड वगैरह जो भी था वो सब शो करना है। उम्मीद जगी है लेकिन अब कब तक होता है कहना अभी पॉसिबल है, लेकिन वही चाहते हैं कि अच्छा स्कूल अब मिले और दूर दराज में ना मिले। शिक्षा विभाग के तय गाइडलाइंस के मुताबिक सभी की काउंसलिंग हो रही है और इस दौरान थंब इम्प्रेशन पर विशेष नजर है। काउंसलिंग के लिए मोबाइल ओटीपी भी जरूरी है। अभ्यर्थियों को 30 मिनट पहले पहुंचने का निर्देश भी दिया गया है। 5 स्लॉट में वेरिफिकेशन का काम किया जा रहा है। ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप के माध्यम से मिले SMS स्लॉट और तिथि के अनुसार आधार कार्ड और रजिस्टर्ड मोबाइल के साथ शिक्षक अभ्यर्थी को काउंसलिंग में उपस्थित होना होगा। शिक्षकों को निर्धारित स्लॉट में ही काउंसलिंग के लिए पहुंचना है। शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर आवेदन संख्या डालकर स्लॉट की टाइमिंग आप देख सकते हैं। सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरते समय अभ्यर्थी द्वारा जिन प्रमाण पत्रों को अपलोड किया गया था उसी क्रम में सत्यापन के समय कागजात पेश करने होंगे, यानी कि जब एग्जाम के वक्त आप जो डॉक्यूमेंट्स लेकर गए थे आपको वही डॉक्यूमेंट लेकर अभी भी जाना है। 6 अगस्त तक चलने वाली इस प्रक्रिया के पहले दिन प्लस टू शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्ष के दस्तावेजों का सत्यापन शुरू होगा। इसे लेकर प्लस टू शिक्षकों की पूर्व से निर्धारित शेड्यूल के तहत काउंसलिंग की जा रही है। काउंसलिंग को लेकर सक्षमता पास शिक्षक बेहद खुश नजर आ रहे हैं। पटना से इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं News18 संवाददाता अमित कुमार। सर क्या नाम हुआ? प्रीति जी। सक्षमता के जी जो जो डॉक्यूमेंट्स बोला गया है लेकर आए हुए हैं, तो अब देखते हैं काउंसलिंग देख लिए। आपको ऑल द बेस्ट है। आप ज्योति कहाँ से आई हैं? मैं पटना की ही हूँ। पटना के ही रहने वाले? आज काउंसलिंग है जी। कितने देर से खड़ी हैं? मैं तो यहाँ 8 बजे से आई हुई थी क्योंकि हमारा 9 से स्लॉट था फर्स्ट स्लॉट में ही, लेकिन 6 लोगों के ही था फर्स्ट स्लॉट में, तो मेरा नंबर अभी आने वाला है, 2 के बाद मेरा नंबर है। अच्छा, तो क्या डॉक्यूमेंट्स पता है कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लग रहा है क्या? जितने भी हमने वेरिफिकेशन शायद अपलोडिंग, इससे पहले मैं मनेर में पोस्टेड हूँ इंदर ट्रिक इंटर ग्रेजुएशन बीएड शर्मा। कहाँ से आए हैं? मैं त्रिभुवन नौबतपुर। आज काउंसलिंग कराने आए हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स का क्या लग रहा है? डॉक्यूमेंट्स का जहाँ तक मुझे पता है टोटल एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन बीएड का अंक प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र, जो फॉर्म भरते समय दिए थे, उसके अलावा दक्षता या स्टेट जिनका भी जो भी है, प्लस जो सक्षमता का हमने एडमिट कार्ड दिया था उसका ओरिजिनल एडमिट कार्ड, उसके अलावा बैंक अकाउंट का भी शायद मांगा गया है, वो मैं काउंटर पे जाऊंगा तो एग्जैक्ट रिपोर्ट मुझे पता चल जाएगी। अब सक्षमता परीक्षा पास कर चुके, आज काउंसलिंग की प्रक्रिया भी, अब राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा, क्या कहेंगे राज्य सरकार को? अब ये राजकर्मी का दर्जा भी मिल जाए तो उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे शायद। अभी भी डाउट है। आप भी काउंसलिंग के लिए आई हैं? सुनीता वर्मा। कहाँ से आई हैं आप? हम आए हैं रामकृष्णा नगर जी। आज बुलाया गया काउंसलिंग को लेकर, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके बुलाया गया? मैट्रिक का प्रमाण, जितने डॉक्यूमेंट्स हमें भरने में लगे थे फॉर्म वो सब, फिर आधार कार्ड पैन कार्ड और चेक कैंसिल चेक ये सब लेके आया। सर क्या नाम हुआ आपका? क्षमता के लिए जी जी जी। कहाँ से आए? मुकामा से। इससे भी किसी जॉब में थे या पहली जॉब होगी? या इसे नियोजित टीचर थे। अब जो है वो रेगुलर टीचर? हाँ, सक्षमता के बाद जो है राजकर्मी बन जाएंगे। तो ये दिनेश जी हैं जो मोकामा से आए हैं, और बाकी शिक्षकों को भी देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो काफी दिनों से यहाँ पे जो है इंतजार में थे कि इन्हें जो है नौकरी मिलेगी, तो यहाँ पे आई हैं। कहाँ से आई हैं, क्या नाम हुआ आपका बताओ? मेरा दीपमाला, फतुआ से आई हूँ मैं। फतुआ से? इससे पहले भी किसी जॉब में थी या पहला नौकरी होगी आपकी? नहीं, इस हम लोग तो नियोजन में थे ना। अब जाकर के बस राजकर्मी का दर्जा मिले।
ये देखिए, ये तमाम जो लोग हैं वो पूरे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही यहाँ पे काउंसलिंग शुरू हो ये लोग जो हैं अपना जाकर के तमाम दस्तावेज जो हैं वो काउंसलिंग के दौरान रखेंगे जो मांगा जाएगा। और बताते चलें कि ये काउंसलिंग जो है सक्षमता पास शिक्षकों की जो काउंसलिंग है वो सभी जिलों के DRCC कार्यालय में आज हो रही है। स्लॉट वार कागजों का सत्यापन होगा और काउंसलिंग के जो जरूरी दस्तावेज हैं उसको लेकर के ये तमाम जो गाइडलाइन है उसके तहत ये लोग पहुँचे हैं। तो कह सकते हैं कि राजकर्मी का दर्जा पाने के लिए इन लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया और आज वो सुखद दिन है जब ये लोग जो हैं वो राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लेंगे। कोई खुशी नहीं है। आप लोग भी मांग कर रहे थे ना राजकर्मी का दर्जा चाहिए। कहाँ राजकर्मी का दर्जा मिला? हम लोग कब से एग्जाम दिए मार्च फरवरी में, अप्रैल में रिजल्ट निकला, उसके बाद कोई नियम पता है ना कानून पता है। सर आप देख ही रहे हम लोगों की स्थिति, ये तरीका है। अगर हम टीचर हैं तो ये व्यवस्था आपको लगती है कि सही है? हो रही है कि महिलाओं को मतलब पोस्टिंग के समय ध्यान रखा कि बार बार जिस तरह से साइनेरियो चेंज हो रहा है मिनट टू मिनट, हम लोग को भी पता नहीं चल रहा है कि नेक्स्ट मोमेंट क्या होना है। तो इस स्थिति में प्रेडिक्शन करना मुश्किल है, खासतौर से एक जनरल टीचर के लिए। जितने भी हमने डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड किए थे, एजुकेशनल हुआ हमारा, जो भी प्रोफेशनल हुआ, वो सारा उसमें जो था वो सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे शो करना है। उसके अलावा हमारा एडमिट कार्ड वगैरह जो भी था वो सब शो करना है। उम्मीद जगी है। लेकिन अब कब तक होता है कहना अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन वही चाहते हैं कि अच्छा स्कूल अब मिले और दूर दराज में ना मिले। शिक्षा विभाग के तय गाइडलाइंस के मुताबिक सभी की काउंसलिंग हो रही है और इस दौरान थंब इम्प्रेशन पर विशेष नजर है। काउंसलिंग के लिए मोबाइल OTP भी जरूरी है। अभ्यर्थियों को 30 मिनट पहले पहुंचने का निर्देश भी दिया गया है। 5 स्लॉट में वेरिफिकेशन का काम किया जा रहा है। ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप के माध्यम से मिले SMS स्लॉट और तिथि के अनुसार आधार कार्ड और रजिस्टर्ड मोबाइल के साथ शिक्षक अभ्यर्थी को काउंसलिंग में उपस्थित होना होगा। शिक्षकों को निर्धारित स्लॉट में ही काउंसलिंग के लिए पहुंचना है। शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर आवेदन संख्या डालकर स्लॉट की टाइमिंग आप देख सकते हैं। सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरते समय अभ्यर्थी द्वारा जिन प्रमाण पत्रों को अपलोड किया गया था उसी क्रम में सत्यापन के समय कागजात पेश करने होंगे। यानी कि जब एग्जाम के वक्त आप जो डॉक्यूमेंट्स लेकर गए थे आपको वही डॉक्यूमेंट लेकर अभी भी जाना है। 6 अगस्त तक चलने वाली इस प्रक्रिया के पहले दिन +2 शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्ष के दस्तावेजों का सत्यापन शुरू होगा। इसे लेकर +2 शिक्षकों की पूर्व से निर्धारित शेड्यूल के तहत काउंसलिंग की जा रही है। काउंसलिंग को लेकर सक्षमता पास शिक्षक बेहद खुश नजर आ रहे हैं। पटना से इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं News18 संवाददाता अमित कुमार। सर क्या नाम हुआ? प्रीति जी। सक्षमता के जी काउंसलिंग के लिए आई है जी। पूरी तैयारी जी, जो जो डॉक्यूमेंट्स बोला गया है लेकर आए हुए हैं, तो अब देखते हैं काउंसलिंग देख लिए। आपको ऑल द बेस्ट है। आप ज्योति कहाँ से आई हैं? मैं पटना की हूँ। पटना की रहने वाली। आज काउंसलिंग है जी। कितने देर से खड़ी हैं? मैं तो यहाँ 8 बजे से आई हुई थी क्योंकि हमारा 9 से स्लॉट था फर्स्ट स्लॉट में, लेकिन 6 लोगों के ही था फर्स्ट स्लॉट में, तो मेरा नंबर अभी आने वाला है, 2 के बाद मेरा नंबर है। अच्छा, तो क्या डॉक्यूमेंट्स पता है कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लग रहा है क्या? जितने भी हमने वेरिफिकेशन शायद अपलोडिंग, इससे पहले मैं मनेर में पोस्टेड हूँ, इंदर मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन BEd शर्मा। कहाँ से आए हैं? मैं त्रिभुवन नौबतपुर। आज काउंसलिंग कराने आए हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स का क्या लग रहा है? डॉक्यूमेंट्स का जहाँ तक मुझे पता है टोटल एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन BEd का अंक प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र, जो फॉर्म भरते समय दिए थे, उसके अलावा दक्षता या स्टेट जिनका भी जो भी है, प्लस जो सक्षमता का हमने एडमिट कार्ड दिया था उसका ओरिजिनल एडमिट कार्ड, उसके अलावा बैंक अकाउंट का भी शायद मांगा गया है, वो मैं काउंटर पे जाऊंगा तो एग्जैक्ट रिपोर्ट मुझे पता चल जाएगी। अब सक्षमता परीक्षा पास कर चुके, आज काउंसलिंग की प्रक्रिया भी, अब राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा, क्या कहेंगे राज्य सरकार को? अब ये राजकर्मी का दर्जा भी मिल जाए तो उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे शायद। अभी भी डाउट है। आप भी काउंसलिंग के लिए आई हैं? क्या नाम है? सुनीता वर्मा। कहाँ से आई हैं आप? हम आए हैं रामकृष्णा नगर जी। आज बुलाया गया काउंसलिंग को लेकर, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके बुलाया गया आपको? मैट्रिक का प्रमाण पत्र, जितने डॉक्यूमेंट्स हमें भरने में लगे थे फॉर्म वो सब, फिर आधार कार्ड, पैन कार्ड और चेक, कैंसिल चेक, ये सब लेके आया। सर क्या नाम हुआ आपका? क्षमता के लिए आया जी। जी जी। कहाँ से आए? मोकामा से। इससे भी किसी जॉब में थे या पहली जॉब होगी?
नियोजित टीचर थे। अब जो है वो रेगुलर टीचर। हाँ, सक्षमता के बाद जो है राजकर्मी बन जाएंगे। तो ये दिनेश जी हैं जो मोकामा से आए हैं, और बाकी शिक्षकों को भी देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो काफी दिनों से यहाँ पे जो है इंतजार में थे कि इन्हें जो है नौकरी मिलेगी, तो यहाँ पे आई हैं। कहाँ से आई हैं, क्या नाम हुआ आपका बताओ? मेरा दीपमाला, फतुआ से आई हूँ मैं। फतुआ से। इससे पहले भी किसी जॉब में थी या पहला नौकरी होगी आपकी? नहीं, इस हम लोग तो नियोजन में थे ना। अब जाकर के बस राजकर्मी का दर्जन मिले। ये देखिए, ये तमाम जो लोग हैं वो पूरे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही यहाँ पे काउंसलिंग शुरू हो ये लोग जो है अपना जाकर के तमाम दस्तावेज जो है वो काउंसलिंग के दौरान रखेंगे जो मांगा जाएगा। और बताते चले कि ये काउंसलिंग जो है सक्षमता पास शिक्षकों की जो काउंसलिंग है वो सभी जिलों के DRCC कार्यालय में आज हो रही है। स्लॉट वार कागजों का सत्यापन होगा और काउंसलिंग के जो जरूरी दस्तावेज है उसको लेकर करके ये तमाम जो गाइडलाइन है उसके तहत ये लोग पहुंचे हैं। तो कह सकते हैं कि राजकर्मी का दर्जा पाने के लिए इन लोगों ने काफी संघर्ष किया और आज वो सुखद दिन है जब ये लोग जो है वो राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लेंगे।